नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, मेरे पास आ चुका है SBI की तरफ से SBI का क्रेडिट कार्ड, जिसकी दोस्तों मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अगर आप ये वाला कार्ड अपने लिए बनवाते हो, अप्लाई करते हो, तो किस तरीके का कार्ड आपको मिलेगा और कितनी लिमिट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों ये जो कार्ड है ये SBI का क्रेडिट कार्ड है, जिसका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑक्टेन BPL SBI कार्ड BPCL। दोस्तों ये जो कार्ड है जी है रुपे कार्ड, और रुपे कार्ड के क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों जी मेरा नाम और मेरा एड्रेस वगैरह यहाँ पर दिया गया है, तो इस एड्रेस पर दोस्तों मुझे ये डिलीवर हुआ। तो रात को दोस्तों ये जब आया था मैंने इसको ओपन करके चेक किया था, बट अभी तक मैंने इसको दोस्तों इसका पिन वगैरह जनरेट नहीं किया और ना ही इसको रजिस्टर किया है। तो चलिए पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ कैसा कार्ड निकलता है, क्या क्या वो मिलते हैं हमें डॉक्यूमेंट इसके अंदर। उसके बाद में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो, कैसे इसको ओपन या ऑन कर सकते हो, क्योंकि अभी ये कार्ड है ये बंद कार्ड है। तो दोस्तों इस तरीके का इस तरीके कुछ हमें पेपर इसमें मिलते हैं ये, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये देखिए ये रखते हैं साइड में। अब दोस्तों सबसे पहले मिलता है हमें ये एक पेपर, जिसमें कुछ बताया जा चुका है कि कैसे आप इसको फ्रॉड होने से रोक सकते हो, ऐसा कुछ इसमें दिया गया है। किसी को मतलब अपने नंबर वगैरह शेयर ना करें, ऐसा कुछ इसमें दिया गया है, तो जी आप चेक कर लेना। और ये कुछ SBI का हेल्पलाइन कस्टमर केयर नंबर दिए गए हैं, जिन पर आप इसकी जानकारी ले सकते हो। और ये दोस्तों इसकी वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस। तो चलिए दोस्तों इसको भी रखते हैं नीचे, और पीछे कुछ नहीं है इसमें। अब दोस्तों आते हैं और कार्ड एक और है इसके अंदर, ये पेपर जिसमें दोस्तों कुछ इसकी बारे में बताया गया है कि कैसे आप इसको फ्यूल वगैरह, जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल वगैरह करवाते हो तो कितना आपको इसमें डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है, ऐसा कुछ इसमें दिया गया है। क्योंकि ये जो कार्ड है ये दोस्तों BPCL ऑक्टेन भारत पेट्रोलियम का भी यहाँ पर दोस्तों लोगो बना हुआ आया है, देखिए भारत पेट्रोलियम। क्योंकि इसमें जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भराते हो, उस कार्ड से पेमेंट करते हो, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट वहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों आते हैं मेन कार्ड की तरफ। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको लिमिट, ये मेरे कार्ड का नंबर है, लास्ट में डेट है दोस्तों, और एडिशनल कार्ड मैंने लिया नहीं है। इसकी लिमिट की बात करें तो 146,000 की लिमिट यहाँ पे दोस्तों मुझे मिली है, जिसकी दोस्तों कैश लिमिट है 43,000 रुपये। यानी दोस्तों अगर मुझे इससे कैश निकालना होगा तो 43,000 रुपये में ATM से विड्रॉ कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। और इस कार्ड का जो बिल बन के आएगा दोस्तों वो हर महीने की 16 तारीख को बन के आएगा। तो ये दोस्तों SBI का बिल जो बन के आता है 16 तारीख को बन के आता है, हर महीने की 16 तारीख को। जी दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको कार्ड। तो दोस्तों जी है मेरा कार्ड, ये देखिए मैं इसको पहले ओपन करूँ। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों ये है मेरा कार्ड, ये देखिए मैंने सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे जो नंबर है इसके अवॉइड कर रखे हैं। तो इस तरीके का कार्ड दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये देखिए रुपए का क्रेडिट कार्ड, ऑक्टेन नाम इस पर लिखा हुआ है, भारत पेट्रोलियम का भी यहाँ पे लोगो बना हुआ आया है। और दोस्तों रुपए कार्ड है ये, और यहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ आया है, और यहाँ पे दोस्तों एक्सपायरी डेट वगैरह है, और ऊपर है दोस्तों इसका नंबर, जो भी दोस्तों मैंने सिक्योरिटी की वजह से हाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके का कार्ड दोस्तों आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे आप इसको रजिस्टर कर सकते हो, कैसे आप इसका पिन जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये पेपर हमें मिला था, इस पेपर में दोस्तों हमें सब कुछ दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो अपने मोबाइल से, तो आपको SBI कार्ड की मोबाइल ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, चाहे दोस्तों आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो या फिर हो OIS वाला, एप्पल फ़ोन, दोनों ही में दोस्तों जो अवेलेबल है।
यहाँ पर दोस्तों आपको एसबीआई कार्ड के ऑप्शन डाउनलोड करके उसके अंदर आपको कार्ड के जो ऑप्शन आएंगे वहाँ पे आपको बीपीसीएल एसबीआई कार्ड ऑक्टन सेलेक्ट करना है। फिर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है और फिर आपको ये जो स्टेप दिए गए हैं ये सब फॉलो करने हैं। और आप ये सब नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये देखिए जे एसबीआई कार्ड की हेल्प नंबर देखने को मिला है, यहाँ पर आप कॉल करके आप अपनी पिन जनरेट कर सकते हो और आप अपना कार्ड यूज कर सकते हो। बट दोस्तों आप कार्ड यूज करने के बाद कैसे उसका स्टेटमेंट देख सकते हो, कितना यूज किया, कितना बकाया बाकी है, वो सब के लिए आपको एसबीआई कार्ड की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी ही पड़ेगी और उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा तभी आप सब कुछ देख सकते हो। नहीं तो आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि आपने कितना यूज किया है और कितना आपके क्रेडिट कार्ड में रुपये बाकी हैं। ये सब के लिए आपको ये एप्लीकेशन जो है दोस्तों डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। तो ये सब दोस्तों हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कार्ड की जो दोस्तों जॉइनिंग फीस और एनुअल फीस जो होती है। तो दोस्तों जियो कार्ड मैंने जब अप्लाई किया तो इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 1500 रुपये, 1499 रुपये दोस्तों इसकी जो फीस है, जो कि दोस्तों एक साल के अंदर लगती है जब आपका पहला बिल बन के आएगा तो उसमें मुझे इसकी 1499 रुपये जो फीस है वो देनी पड़ेगी। और अगर मैं हर साल 2 लाख तक का ट्रांजेक्शन इससे करता हूँ तो दोस्तों उस केस में मेरा जो अगले साल का जो फीस आएगी वो माफ़ कर दी जाएगी। तो ऐसा कुछ इसमें सीन दिया गया है। बट दोस्तों 1500 रुपये को मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा है, बट फिर भी दोस्तों मैंने इस कार्ड को अप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे रुपए कार्ड बनवाना था और कोई ऑप्शन हो दोस्तों इससे कम वाले का मेरे नंबर पर ऑफर नहीं आ रहा था तो मैंने यही अप्लाई कर दिया। तो 1500 रुपये इसकी फ़ीस है, साल की लगती है और कोई भी फीस के अलावा नहीं लगती, ज्वाइनिंग वगैरह कुछ नहीं है। 1500 रुपये आपको एक साल के देने पड़ते हैं। सीधे सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं कि जब आप इस कार्ड को यूज करोगे तो 1500 रुपये आपको एक साल के पे करने पड़ेंगे, चाहे दोस्तों आप इससे कितना भी शॉपिंग कर लो। अगर 2 लाख तक की शॉपिंग कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर की जो फीस आएगी वो आपकी माफ़ कर दी जाएगी। दोस्तों इस तरह कार्ड आपको देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो मैं आपको और बता दूं कि रुपए कार्ड के दोस्तों ये फीचर होते हैं वो ये होते हैं कि जब आप अपनी मार्केट में कोई शॉपिंग वगैरह करते हो, जैसे परचूनी की दुकान वगैरह होती है, कॉस्मेटिक की दुकान जो होती हैं, तो वहाँ जब आप दोस्तों इस कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको उसमें रिवॉर्ड पॉइंट कैश बैक में देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों जब इकट्ठे हो जाते हैं तो आप उन्हें अपने रुपये में, अपने पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है इस कार्ड का। यानी दोस्तों जब आप इसका पेमेंट किसी जगह करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते, आपको उल्टा ऑफर देखने को मिलता है, आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है इस कार्ड से पेमेंट करने पर। तो ये फ़ायदा है इस कार्ड का कि आपको अपने पॉकेट में पैसे नहीं रखने पड़ेंगे। अगर आप किसी मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जा रहे हो या पेट्रोल वगैरह भरवा रहे हो अपनी गाड़ी में, तो वहाँ दोस्तों आप जब इस कार्ड का यूज करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल जाते हैं इस कार्ड पर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।